चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ट्रेन टॉक्स के आज के इस एपिसोड को। और मुझे पता है आप लोगों को आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, थोड़ी सी क्वालिटी चेंज हुई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो आप ट्रेन टॉक्स देख रहे थे वो काफ़ी ब्लर ब्लर सा था, फुटेज काफ़ी फटी फटी सी आती थी। एक्चुअली वो एक जुगाड़ था और ये प्रॉपर वे है उसको शूट करके एडिट करने का, वो एक जुगाड़ से करता था मैं, जिससे ट्रेन टॉक्स की एडिटिंग ना के बराबर करनी पड़ती थी मुझे। ठीक है, करेंगे, वो चीज़ भी लाएंगे, उसी के अंदर ये वाली क्वालिटी भी दिखाएंगे, थोड़ा समय दीजिए। चलिए बिना आपका ज़्यादा समय बर्बाद करे हुए आज की पहली खबर के साथ शुरू करते हैं बातचीत। दोस्तों, कालका शिमला रूट के ऊपर रेल मोटर कार एक नई कोचेस जैसे विस्टाडोम कोस्टर टाइप का एक नया कोच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसके अंदर बैल्कनी लगी हुई है, मतलब सीट्स हैं उसके बगल में बैल्कनी है, आप जाके मस्त इन्जॉय कर सकते हैं ट्रेन को, जिसका टिकट कई सारे प्राइजेज हैं, अभी कंप्लीट डिटेल नहीं है, 2200 भी है, 3500 भी है, 1400 भी है। अब ये क्लासेस हैं क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि एग्जैक्टली ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि ये 2200, 3500, 1400 किस किस क्लास के किराए हैं या कितने टाइप के कोचेज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें अभी थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा जानने में, तो उसके लिए थोड़ा सा रुक जाओ। और आई थिंक ये अभी जून से सितंबर तक ये जो है चलाए जाएंगे। दोस्तों चलिए शुरू बात करते हैं आज की अगली अपडेट को लेकर के, वो है शामली को लेकर के, जहाँ पे शामली में चार पुलिस वालों ने एक जर्नलिस्ट की पिटाई कर दी, मतलब उसे मारा, और ये अवैध था, मतलब वो कुछ गलत भी नहीं कर रहा था, अवैध था, जिसके तहत मतलब एक वीडियो बनाई गई, वो वीडियो वायरल हो गई सोशल मीडिया पे, और उसके बाद इन चार पुलिस वाले इंक्लूडिंग स्टेशन, एक मिनट, इसके अंदर एक और भी शामिल है स्टेशन हाउस ऑफिसर इंक्लूडिंग, वो इनको आईपीसी के सेक्शन के तहत चार्ज किया गया, और जो पुलिस वाले थे शायद उनको सस्पेंड किया होगा ओवरमे ड्यूटीज से, और जो भी सेक्शन के अंदर सजा है वो उनको मिली। अब यहाँ पर मेरा सवाल पता है क्या है, ये पुलिस वाले अपनी ड्यूटी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, लोगों को मारेंगे, लेकिन सज़ा उनको मिलेगी जिनकी वीडियो वायरल होगी। ठीक है, तो भैया इलाज यही है कि वीडियो बनाओ। मतलब हो सकता है आपको लगे कि मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ, बट दैट्स अ फैक्ट, दैट्स अ रियलिटी। ठीक है, किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। अच्छा, आजकल मंडवाड़ी रेलवे स्टेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा बातें जो है सोशल मीडिया में फैल रही है, तो वाई नॉट टू इंक्लूड इन ट्रेन टॉक्स। सो ऐसा कहा जा रहा है, बल्कि ऐसा फैक्ट है एक्चुअली, कि जो मंडवाड़ी स्टेशन है वो उत्तर प्रदेश का ओनली वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है, बेसिकली वाराणसी का तो है ही, ऐसा भी कहा जा रहा है, जिसके अंदर आपको एसी लाउंज, नॉन एसी लाउंज और अदर टाइप की बहुत फैसिलिटीज़ जो है देखने को मिलती हैं। हालांकि मैं खुद पर्सनली गया हुआ हूँ मंडवाड़ी रेलवे स्टेशन के ऊपर, बहुत बढ़िया स्टेशन है। हाँ, अब एक चीज़ मैं अपना जो पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगा वो ये है, कि भाई मंडवाड़ी स्टेशन में जब आप एंटर करोगे एक तरफ से, तो जो जगह उसकी एक तरफ जो उसकी वेल बिल्ट है ना, वो एक अलग टाइप का दिखने में है, लेकिन जैसे आप प्लेटफॉर्म नंबर 1-2 की ओर बढ़ोगे, ठीक है, वो एक नॉर्मल कन्वेंशनल स्टेशन की तरह है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि पूरा स्टेशन जस्ट लाइक एयरपोर्ट स्टेशन है, बट हाँ, दो साइडें हैं, एक साइड एकदम प्रॉपर मॉडर्न है, एक साइड कन्वेंशनल है। बात करें दोस्तों अगली अपडेट को लेकर के, वो है कि कॉर्ड्स केबल जो है टेंडर जीत गई है रेलवे को केबल प्रोवाइड करने का, और रेलवे को ये जो है जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उसके अंदर जो भी केबल रिक्वायरमेंट है इंक्लूडिंग योर ओएचई वायर एंड अदर वायर्स, वो सारी जो है कॉर्ड केबल प्रोवाइड करेगा। ऐसा कहा जाता है जो कॉर्ड केबल प्रोवाइडर है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की केबल्स बनाता है, और काफ़ी अच्छा मतलब इंडस्ट्री में इसका बोलबाला है, केबल इंडस्ट्री के अंदर, केबल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। सो अच्छी लगता है देख के यार, रेलवेज अगर मतलब अपने काम के लिए जो है एकदम बेस्ट बंदे को चुन रहा है, ताकि उसका काम बेस्ट हो और जिससे कि ब्रेकडाउन्स कम हो, पैसेंजर्स को कम से कम दिक्कत आए, तो थैंक यू रेलवेज। दोस्तों बात करें अगली खबर को लेकर के, तो हमको एक बात तो बहुत अच्छे से पता है कि भाई रेलवे जब भी कुछ नया लाता है तो अपोजिशन या मतलब कोई ना कोई उसकी मतलब पैर तो खींचते ही हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो आज भी ये हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है, अभी तो आपको पता है मसाज सर्विस जो है, अब आपको लग रहा होगा 3-4 दिन से लगातार मसाज सर्विस करे जा रहा है, भाई मैं क्या करूँ, इतनी ज़्यादा खींचातानी चल रही है इसके ऊपर। खींचातानी क्या चल रही है मैं आपको बताता हूँ, देखो चल इसमें खींचातानी भी क्या, इसमें क्या चल रहा है कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अभी जैसे कि एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं रेलवे के ऊपर, इसके ऊपर कि भाई
ये जो मसाज की सर्विस है ये इंडियन कल्चर के खिलाफ है, ठीक है। इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं होना चाहिए। रेलवे को मेडिकल सर्विस देनी चाहिए, जिसके ऊपर रेलवे ने अपना बयान दिया कि हम अदर सर्विस भी जो दे रहे हैं उसके तहत ये भी आ रही है, जैसे लाइक फ्री वाईफाई, जो कि 1500 स्टेशन पर फ्री वाईफाई रेलवे दे रहा है, लिटरली अवेलेबल भी है। और जो बैटरी कार्स हैं, ठीक है, वो भी मिल रही हैं, ओला के साथ उसका टाइप हुआ है वो भी मिल रहा है। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें जो है रेलवे कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे अब इसी बात को लेकर के जो एमपी, इंदौर के एमपी थे, उन्होंने लिखा, इंदौर के एमपी ने लिखा है ना ये, हाँ इंदौर के एमपी ने लिखा है, किसको, पीयूष गोयल साहब को। वो लिखा लिखते हैं कि प्रोवाइडिंग पैसेंजर, ये उनके शब्द हैं, प्रोवाइडिंग पैसेंजर मेडिकल एड डॉक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द रेलवेज, नॉट दी स्टैंडर्ड लेस सर्विसेज इन माय ओपिनियन। मतलब कि वो कह रहे हैं कि मेडिकल फैसिलिटी दो पैसेंजर्स को, डॉक्टर इंपॉर्टेंट है, मतलब डॉक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्टैंडर्ड लेस सर्विसेज जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उनका ख्याल भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रेलवे कहीं ना कहीं इस फैसिलिटी को ला रहा है अपने थोड़े हाई क्लास पैसेंजर्स के लिए। हाई क्लास पैसेंजर्स से मैंने मतलब का जो जो जनरली 2A 3A में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। बट आई थिंक ये जो एमपी साहब हैं, यानी कि लालवानी साहब है, ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कॉमन बंदे की प्रॉब्लम। और लिटरली आप भी इस बात से एग्री करते होंगे अब तो, कि एक जो कॉमन बंदा है जो स्लीपर में ट्रैवल कर रहा है और 500 रुपये की टिकट अपनी खरीद रहा है, वो 200 रुपये की मसाज नहीं कराएगा मेरे भाई, बिल्कुल नहीं कराएगा, ठीक है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक जुड़े हमारे चैनल के साथ, लाइक करते हैं इस वीडियो को, अगर पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुभम कुमार सैनी का बर्थडे, थैंक यू वॉचिंग फैन, नाइस डे। अब ये करके दिखाओ, तेरे भाई में भी दम है। बाय बाय।